माथेश्वरी परिवार की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज आप सभी के समक्ष भाई विश्वविजय निषाद जी के इस महा आयोजन महायज्ञ में मुझे आप लोगों के समक्ष श्री सदगुरु महाराज जी के लिए आला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। अचरज है ब्रह्मांड ये सारा विश्व मानता है यह बात, सोचो कैसे सांसें चलती, कैसे होता है दिन रात, आखिर कैसे ऋतुएं बदलती, जाड़ा गर्मी या बरसात, कैसे पृथ्वी घूम रही है, टंगी हवा में बिना आधार है रहस्य अद्भुत हर पग पर, असाधारण है संसार, चलो सुनो एक रहस्य गाथा, कभी न जाएगी जो विसार, जो है एक अलौकिक घटना। यह है एक अलौकिक घटना, पौराणिक है भारत देश, इसी देश का सबसे बृहद है आपका यह उत्तर प्रदेश, देवरिया का बगलगीर है, गोरखपुर जनपद विशेष, बड़हलगंज में कोल्हुआ टाड़ा, आज जो है एक विकसित गांव, एक समय यह पूर्ण कछार था, जाकर लगती थी जहां नाव, इसी गांव के एक निवासी, द्वार पे जिनके नीम का छांव, नाम था जिनका धनुषधारी। किसान थे वह मौर्या जात, किलकारी उनके आंगन में गूंजी थी अंधियारी रात, धन्य हुई माँ पन्ना देवी, मिली जिन्हें अद्भुत सौगात, जन्म लिया उनके घर बालक, कौन जानता था यह राज, एक दिन जिसको नमन करेगा, पूजेगा जिस सकल समाज, वह बालक कोई और नहीं है साक्षात सदगुरु महाराज, सदियों बाद कोई जन्म है लेता। सदियों बाद कोई जन्म है लेता, करने हेतु जग का उद्धार, ऐसे मानव तन वाले को है सदगुरु सरकार, जन्म हुआ जब सदगुरु जी का, था जल मग्न समग्र कछार, नभ कर रहा था प्रबल तांडव, वर्षा हो रही मूसलाधार, पहर था वह तो रात्रि काल का, कैसे मिटा चटक अंधकार, समझ न पाया कोई रहस्य को, घर पर लिए हरि अवतार, दर्शन कर लो नतमस्तक हो। दर्शन कर लो नतमस्तक हो ना जाए कष्ट जो दूर, सच्चे मन से सुमिरन कर लो, शक्ति मिलेगी तुम्हें भरपूर, यूं ही नहीं छवि सदगुरु जी की विदेश में है मशहूर, मार्ग मिलेगा तुम्हें अलौकिक, कहोगे जो तुम गुरु का ज्ञान, बचपन से ही यह दयालु, सीधे साधे और विद्वान, दुखी स्वयं ये हो जाते थे, रोग दूसरों का पहचान, बहुत व्याग्र अधीर हो जाते। शीघ्र निदान शिक्षा दीक्षा पाकर जैसे गुरु जी होने लगे सयान, हर दुखियारी दी नहीं इनको।